हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग सबसे पहले वैन राव के कन्फेशन से होती है, जब वैन राव ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था कि वो दरअसल एक असली सिंड्रेला नहीं है। उसके बाद वो काफी द पुअर है। इसके बाद लियांग उसे अप्रोच नहीं करता है। वैन राव को लगता है कि शायद लियांग उससे थोड़ा सा नाराज है, पर लियांग उससे नाराज तो होता नहीं है, वो खुद ही अपने आप में बुरा फील कर रहा था। इसके बाद वो वैन राव को अप्रोच करता है और उससे हार्टफुली सॉरी बोलता है कि उसने जो कुछ भी वैन राव को कभी भी कहा होगा उसके लिए सॉरी। यहाँ पर वैन राव कहती है कि नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। लियांग कहता है कि नहीं, मुझे जरूरत है। इसके बाद वो वैन राव को अपने साथ ले जाता है और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स गिफ्ट करता है जो कि उसके प्रिंसेस हमेशा डिजर्व करती है, एंड प्रॉमिस भी करता है कि वो हमेशा वैन राव को अच्छे से ट्रीट करेगा। उसके बाद वैन राव अपने फादर इन लॉ को विजिट करती है और यहाँ पर उसके फादर इन लॉ दरअसल वैन राव को प्लेटिनम ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं बिकॉज वैन राव को सिल्वर ज्वेलरी से एलर्जी होती है। यहाँ पर वो ये भी नोटिस करती है कि उसके फादर इन लॉ उसका कितना ख्याल रखते हैं, उसके डैड से भी ज़्यादा। उसके बाद वैन राव की हाफ सिस्टर जियांग जो कि उसकी स्टेप सिस्टर है, और उसके बाद वो लियांग को अप्रोच करती है बिकॉज उसे वैन राव की ज़िंदगी में इतनी शांति दरअसल पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो लियांग को अप्रोच करती है और उसे बताती है कि वैन राव दरअसल वॉनली कंपनी के प्रेसिडेंट की डॉटर है, इसीलिए वो तुम्हें उल्लू बना रही है। यहाँ पर लियांग अपना दिमाग थोड़ा प्रोसेस करता है और उसके बाद वो खुश होते हुए जल्दी से जियांग को अपने पास बुलाता है और उसे टी ऑफर करता है और कहता है कि सिस्टर, नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बिकॉज लियांग सोच रहा था वैन राव ने उसे सब कुछ इसलिए नहीं बताया बिकॉज उसे अनकंडीशनल लव चाहिए था, इसीलिए उसने सब कुछ छुपाया, और ये एकदम ठीक है उसके हिसाब से बिकॉज वैन राव जो भी करती है वो सब कुछ ठीक है। जियांग जरा सा साइड आई से लियांग को देख रही होती है कि आखिर इसके कान खराब हैं, इसने सुना नहीं या फिर इसे कम समझ में आता है, बिकॉज इतना सब कुछ सुनने के बाद कोई इतना शांत कैसे हो सकता है। सो हम इसे क्या कहेंगे, यस अ वेरी परफेक्ट मैन। उसके बाद वैन राव जब वापस अपने घर पर आती है तो लियांग को ड्रिंक करते हुए देखती है जो कि लियांग कभी करता नहीं है। यहाँ पर वैन राव को लगता है कि शायद बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है, तभी यहाँ पर लियांग उसे अप्रोच करता है और कहता है कि उसे आज तुम्हारी सिस्टर मिलने के लिए आई थी। वैन राव को लगता है कि शायद पूरे किए कराए पे पानी फिर गया और जियांग ने ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो ज़रूर बोला होगा ताकि लियांग उससे अलग हो जाए, एंड वो कभी भी मेरा अच्छा नहीं चाहेगी। यहाँ पर लियांग कहता है कि आई एम सॉरी, शुनमी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी की वॉनली है, बट आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया बिकॉज तुम नहीं चाहती कि मुझे थोड़ा बुरा फील हो कि मेरी कंपनी उतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है जितनी कि तुम्हारी डैड की कंपनी है, राइट? यहाँ पर वैन राव सोच रही होती है कि इसका दिमाग अपने आप से कैसे चल जाता है, मैं इतना क्यों सोचूंगी। यहाँ पर लियांग उससे कहता है कि ये मेरी दिक्कत है, पर तुम चिंता मत करो, मैं शुनमी को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाऊंगा ताकि वो वॉनली के साथ कंपीट कर सके। यहाँ पर वैन राव कहती है कि ओके दैट्स फाइन, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लियांग कहता है कि बिल्कुल ज़रूरत है। उसके बाद हम वैन राव को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि जियांग हमेशा दरअसल उसे कंपीट करती रहती है। बचपन से उसे हर वो चीज़ पसंद थी जो कि वैन राव को बिलोंग करती है या फिर उसे पसंद थी। इसकी वजह से जो उसकी मॉम है, वो जो कि उसकी रियल मॉम है, वो हमेशा उसकी हाफ सिस्टर को हर वो चीज़ दे देती थी जो कि वैन राव को बिलोंग करती थी। इसके वजह से वैन राव को हमेशा उसे गुस्सा आता था, बट वो कुछ कर नहीं सकती। जियांग के चक्कर में ही उसे दरअसल बोर्डिंग स्कूल भी भेजा गया था और ये वो कभी नहीं भूल पाएगी। और इसके बाद लियांग वैन राव की फैमिली से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसके फादर से मिलता है, तभी फादर लियांग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, पर जियांग को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। वैन राव के फादर वैन राव को दरअसल सिल्वर ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं जिससे वैन राव को एलर्जी होती है, और उसके रियल फादर को भी नहीं पता कि वैन राव को इससे एलर्जी है। वैन राव सबके सामने उन ज्वेलरीज को पहन लेती है लेकिन वॉशरूम में जाकर उन्हें निकाल देती है और उसे इतने में ही एलर्जी हो ही जाती है। यहाँ पर लियांग उसे पीछे से जाकर अप्रोच करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तभी वैन राव कहती है कि ऑफकोर्स मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद लियांग साइड वाले रूम में एंटर करता है और कहता है कि वाओ, ये रूम कितना ऑर्गेनाइज्ड है, पेंटिंग देखो और इसका डेकोरेशन और ये बुक्स कलेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड वैन राव, तुम्हारा रूम इतना प्यारा होगा मुझे तो पता ही नहीं था। तभी वैन राव कहती है कि जस्ट शट अप, ये मेरा रूम नहीं है, ये दरअसल जियांग का रूम है और तुम्हें तो चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं, राइट? तभी लियांग कहता है कि नहीं, ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार, एकदम बेकार है, मुझे कुछ ही पसंद नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तभी वो कहता है कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है। इसके बाद वैन राव उसे अपने रूम में ले जाती है जहाँ पर उसके रूम को दरअसल डस्टबिन बनाकर रखा हुआ था।
सर उसकी ही जोगी है, किसी को भी क्या नहीं रहती। उसने सालों पहले घर छोड़ा था और आफ्टर दैट ये स्टोर रूम बन गया। यहाँ पर लियांग बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है कि शायद वेन राव को सिर्फ वही खुश कर सकता है बिकॉज उसकी फैमिली उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद जियांग लियांग को अप्रोच करने की कोशिश करती है बिकॉज उसे कैसे ना कैसे वेन राव की हर चीज़ चाहिए थी, भले उसका हस्बैंड हो, उसकी पेंटिंग्स हो या उसके शूज़ कलेक्शन, हर चीज़। यहाँ पर वो लियांग को अप्रोच करने की कोशिश करती है बट वेन राव उसे एक भी चांस नहीं देती और उसके बाद उसे टोटली दूर करती है बिकॉज लियांग के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। उसके बाद फैमिली डिनर में लियांग दरअसल जियांग को सजेस्ट करता है कि उसकी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है। तभी जियांग कहती है कि अभी तो कुछ भी नहीं। यहाँ पर लियांग उसे सजेस्ट करता है कि उसे कुछ ब्लाइंड डेट्स पे जाना चाहिए। तभी जियांग भी इसमें इंटरेस्टेड होती है बिकॉज उसे लियांग के साथ जाने का मौका मिल रहा था। यहाँ पर वेन राव तो एक भी चांस उसे देने वाली नहीं थी। इसके बाद ब्लाइंड डेट के दिन वो खुद ही काफ़ी अच्छे से तैयार होकर लियांग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर लियांग कहता है कि अगर तुम इतने अच्छे से तैयार होकर जाओगी तो तुम्हारे सिस्टर के चांसेस कम हो जाएंगे। वेन राव अपने दिमाग में सोचती है कि यही तो मुझे चाहिए ताकि वो हमेशा मुझसे लो ही फील करे। इसके बाद सभी पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर सबकी नज़रें वेन राव पर ही रहती है। तभी जियांग भी उस पार्टी में इंटर करती है। यहाँ पर जियांग वेन राव को देखकर ऑफेंडेड फील करती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। वेन राव और लियांग को धक्का देकर वहाँ से निकाल देती है और कहती है कि तुम जाओ ना, मैं और जियांग एक साथ मिलकर जियांग के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद वेन राव जैसे ही एक मैन को अप्रोच करती है वो कोई और नहीं बल्कि शू ही निकलता है। यहाँ पर शू कहता है कि ओ तुम यहाँ पर। इसके बाद वेन राव का शैतानी दिमाग चलता है, सोचती है कि यही राइट टाइम है इन दोनों एनिमीज को दरअसल अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। इसके बाद वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो शू को अभी भी काफ़ी प्यार करती है और उसे भूल नहीं पाई है। यहाँ पर शू सोचता है कि इसे अचानक से क्या हुआ। यहाँ पर जियांग नोटिस कर लेती है कि शायद वेन राव अभी भी शू में इंटरेस्टेड है तो वो ये चांस जाने नहीं देगी। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, वो शू को ही अप्रोच करेगी। यहाँ पर शू सोचता है कि शायद सिचुएशन थोड़ी अलग है, वेन राव उसे अभी भी प्यार करती है, वो ओनली की प्रेसिडेंट की डॉटर है, तो उसे समझ में आ जाता है कि आखिर वेन राव सच्चा प्यार चाहिए था, इसकी वजह से ही उसने सब कुछ किया। इसके बाद वो वेन राव के लिए सॉरी फील करता है और उसे अप्रोच करता है और कहता है कि हम सॉरी कि मैंने तुम्हें परेशान किया। वेन राव कहती है कि ओ आई नो, पर तुम्हें जियांग के साथ डेट करना चाहिए। तभी यहाँ पर शू कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। वेन राव कहती है कि रियली? शू भी अपने ही दिमागी ख्यालों में खो जाता है और कहता है कि आई नो तुम मुझे प्यार करती हो बिकॉज कोई भी मुझे प्यार कर सकता है, सो प्लीज़ मुझे भूलने की कोशिश करो। तो ही वेन राव कहती है कि ऑफकोर्स यस मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि प्लीज़ लियांग को चीट मत करना, वो काफ़ी अच्छा इंसान है, एंड प्लीज़ मुझे भूलने की कोशिश करना। तभी वेन राव कहती है कि या श्योर। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि फाइनली ये दोनों मेरे ट्रैप में फंस ही गए। इसके बाद जियांग और शू डेट करना स्टार्ट करते हैं। जियांग भी वेन राव को कॉपी करने की कोशिश करती है और उन सारे सीन को रिक्रिएट करती है जो कि वेन राव पहले ही कर चुकी है, पर वो अपनी हेयर पिन खो देती है और उसके बाद शू उसे ढूंढता है और जैसे ही उसे हेयर पिन मिल जाती है आफ्टर दैट वो उस वीडियो को अपलोड भी कर देती है ताकि वो भी वेन राव को थोड़ा जेलस फील करवा सके। पर वेन राव को कहाँ फील होने वाला था। अभी डबल डेट पर भी जाते हैं। यहाँ पर शू सोच रहा होता है कि शायद वेन राव उसे अभी भी प्यार करती है तो वो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल नहीं हो गया। यहाँ पर इनके कुछ मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और इसके बाद लियांग वेन राव से कहता है कि ये सब क्या है। तभी वेन राव से क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लियांग को सब कुछ क्लियर करती है कि आखिर उसने क्या सोचा है। शू और जियांग की जो जोड़ी है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। यहाँ पर लियांग कहता है कि ठीक है ये भी सही है, पर ये बात जियांग सुन लेती है और इसके बाद सारे के कराए पर पानी फिर जाता है। आफ्टर दैट जियांग और शू का ब्रेकअप भी उसी दिन हो जाता है बिकॉज रियल रिलेशनशिप तो इन दोनों में था ही नहीं। जियांग अब इस बात से नाराज थी कि आखिर वेन राव ने उसे फूल बनाया कैसे। इसके बाद वो वेन राव की जो शू डिजाइन है उनका कॉपीराइट अपने नाम कर लेती है और उनकी ओनरशिप भी बिकॉज उसके पास उनके कुछ ड्राफ्ट्स थे। जब वेन राव को पता चलता है तो वो काफी बिट्रेड फील करती है बिकॉज उसका काम ही उसके लिए सब कुछ है। या फिर वेन राव के जो डैड हैं वो भी हमेशा की तरह जियांग को ही फेवर करते हैं। इसके बाद वेन राव टोटली बिट्रेड फील करती है और जैसे ही वो लियांग को देखती है दरअसल इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज वेन राव के लिए उसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आफ्टर दैट वो अपने फादर इन लॉ को विजिट करती है, किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं करती। यहाँ पर लियांग उसके लिए परेशान हो रहा होता है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वेन राव को इतना अपसेट नहीं होने देगा। जैसे ही वो वेन राव की फ्रेंड को विजिट करता है तो उसे सारी सच्चाई बताती है कि वेन राव और उसके सिस्टर का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, उसके डैड उसे कभी भी फेवर नहीं करते बिकॉज वेन राव उनकी रियल डॉटर नहीं है। आफ्टर दैट लियांग वेन राव की हेल्प करने के लिए उसके शूज की कॉपीराइट और ओनरशिप वापस लेने की कोशिश करता है और वेन राव के डैड को वार्न करता है कि उसकी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करें, वो नहीं कर सकते तो उसे अप्रोच करना बंद करें, एंड एक और बात कि उसे सिल्वर ज्वेलरी से एलर्जी है सो उसे ये गिफ्ट भी ना दे। यहाँ पर वेन राव को देखते हैं जो कि
अपने मॉडल को रिक्रिएट करती है ताकि वो बिना कॉपीराइट के भी अपने मॉडल को फेमस बना सके। तो इसी के साथ ये पार्ट ही बैंड हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।